इस ट्यूटोरियल में हम वेब डेवलपमेंट के रिगार्डिंग सीखेंगे और वेब डेवलपमेंट में पीएचपी का महत्व क्या है, पीएचपी की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। तो पीएचपी की प्रॉपर्टीज़ के रिगार्डिंग, पीएचपी क्या है, पीएचपी के रिगार्डिंग हम इस वेब डेवलपमेंट के लेक्चर में सीखेंगे। तो कॉरिकल यूनिवर्सिटी सर्टिफाइड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वेब डेवलपमेंट में भी कराती है, तो इसके लिए आप कॉरिकल के सर्टिफाइड ट्रेनिंग सेंटर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। लर्निंग सिंप्लीफाइड ये चैनल है जिसके थ्रू आप वेब डेवलपमेंट पीएचपी का यूज़ करते हुए इसको डीप में सीखने के लिए तैयार हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं पीएचपी, तो इनिशियली जब इसका डेवलपमेंट हुआ तो हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर के रूप में इसको जाना गया, बाद में इसका नाम पर्सनल होम पेज यानी पीएचपी कर दिया गया। यह एक ऐसी लैंग्वेज थी जिसका जो कि ओपन सोर्स लैंग्वेज थी, और इस लैंग्वेज का जो डेवलपमेंट है या इस लैंग्वेज के जो फादर हैं वो रैसमस लैडॉर्फ इसके फादर कहे जाते हैं, जिन्होंने 1994 में पीएचपी लैंग्वेज को बनाया था। दिस लैंग्वेज डोंट रिक्वायर टू कंपाइल, ओनली इंटरप्रेटेड देयर, यानी ये इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज है। इट इज़ बेस्ट लैंग्वेज फॉर सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग के लिए सबसे बेस्ट लैंग्वेज है। सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग को अभी हम जानेंगे। इट इज फास्ट एंड इजी टू यूज एज वेल इजी टू डेवलप, ये बहुत फास्ट है, इजी टू यूज है, इजी टू डेवलप है। केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, कहने का सेंस हमारा ये है कि हमने यहाँ एग्जाम्पल में राम को तीन तरीके से लिखा है, तीनों ही राम अलग अलग चीजों को रेफर करते हैं, तीनों ही राम अलग अलग हैं। इट इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है, और इसके जितने भी सारा जो रिसोर्स मटेरियल, रिसोर्स जो इसका पीएचपी का जो मैक्सिमम जो अवेलेबल है या 100% जहां पर अवेलेबल है, दैट इज php.net पर अवेलेबल है। तो पहले यहां ये जान लें कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज का सेंस क्या है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि हम इसे किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर जाकर रन करें, अगर किसी भी एक प्रोग्राम को हम इसके किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर जाकर रन करते हैं तो हम देखते हैं कि हर ऑपरेटिंग सिस्टम पर आउटपुट जो आता है प्रोग्राम का उसमें कोई चेंज नहीं आता, हर जगह आउटपुट सेम बना रहता है। ऐसी लैंग्वेजेस को जो कि किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन करने पर सेम आउटपुट जनरेट करती हैं, हम कहते हैं प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, कहने का सेंस हमारा यहाँ सिर्फ इतना है कि हमारे पास दो तरह के सर्वर थे, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर किया, एक तो वेब सर्वर था, दूसरा हमारे पास डाटाबेस सर्वर था। वेब सर्वर के साथ यूजर आपका क्लाइंट सॉफ्टवेयर के द्वारा कनेक्टेड होता है। जब क्लाइंट किसी भी पर्टिकुलर पीएचपी के एप्लीकेशंस के लिए वेब सर्वर को रिक्वेस्ट करता है तो यहाँ सिंपल सा फंडामेंटल ये होता है कि पीएचपी का कोड उस सर्वर पर ही एग्जीक्यूट होता है, यानी इंटरप्रेट होता है पीएचपी इंजन के द्वारा एंड या जेंड इंजन के द्वारा, एंड उसका जो आउटपुट होता है एचटीएमएल की फॉर्म में वो केवल क्लाइंट को रिसीव होता है। एक्चुअल सोर्स कोड पीएचपी का कभी भी क्लाइंट को ट्रांसफर नहीं होता, एंड दैट टाइप ऑफ लैंग्वेजेस आर बेसिकली नोन एज द सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस। स्क्रिप्टिंग इसलिए क्योंकि मार्कअप लैंग्वेज एचटीएमएल के साथ इसको हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, सो इट इज द स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज एंड वन ऑफ द बेस्ट लैंग्वेज। अदर प्रॉपर्टीज को देखें, इट कैन बी कनेक्टेड टू द एनी ऑफ द डाटाबेस सर्वर, दिस डाटाबेस सर्वर यानी दिस डाटाबेस मे बी द MySQL डाटाबेस, मे बी द पोस्टग्रेस SQL, मे बी द DB2, मे बी द SQL सर्वर और एनी अदर डाटाबेस, किसी भी डाटाबेस के साथ इसको कनेक्ट किया जा सकता है और बहुत आसानी से ये कनेक्ट हो जाती है। इट इज अ हाई लेवल लैंग्वेज, इस बात को कहने का सेंस हमारा ये है कि हाई लेवल लैंग्वेज है, मीन्स टू से इट इज अ इंग्लिश स्टाइल लैंग्वेज, क्योंकि इंग्लिश इटसेल्फ अ हाई लेवल लैंग्वेज ऑलवेज। मोस्ट एफिशिएंट लैंग्वेज फॉर वेब डेवलपमेंट, एंड ये वेब डेवलपमेंट की आज के समय की सबसे एफिशिएंट लैंग्वेज के रूप में इसको जाना जाता है। यहां तक कि सबसे बड़ा सोशल मीडिया पोर्टल फेसबुक भी इसी पीएचपी लैंग्वेज में बना हुआ है, सबसे बड़ा स्टडी की वेबसाइट विकिपीडिया, ठीक है ना, विकिपीडिया भी आज की डेट में पीएचपी को फॉलो करता है, और भी ऐसी बहुत सारी लैंग्वेजें, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियों की वेबसाइट्स हैं, पोर्टल्स हैं जो कि पीएचपी में आज की डेट में रन करते हैं। इनिशियली इन 1995 इट्स नेम वाज PHIFI वर्जन 2, वेयर FI वाज एन HTML फॉर्म रीडर पैकेज, एंड इन लेटर ऑन इन 1997 PHIFI नेम कन्वर्टेड टू द पीएचपी। बेसिक जो कॉन्सेप्ट इसका जो दिखाई देता है वो ये था कि जावास्क्रिप्ट कैन नॉट राइट फाइल्स एंड इट कैन नॉट वर्क विद डाटा ऑन द सर्वर। जावास्क्रिप्ट
फाइल्स में राइट नहीं कर पाती थी एंड डाटा को सर्वर पर अपडेट या डाटा को सर्वर पर डाटा डाटा सर्वर पर डाटा में वर्कआउट नहीं कर पाती थी, लेकिन पीएचपी ऐसा कर पाती थी। पीएचपी 6 सपोर्ट्स यूनिकोड, यानी यूनिकोड करेक्टर को ये सपोर्ट करती है। पूरे विश्व में अभी तक सभी लैंग्वेजेस को देखा जाए तो लगभग 35,000 करेक्टर नॉन है, सभी लैंग्वेजेस के करेक्टर को मिलाकर पीएचपी विश्व के सारे या यूनिवर्स के जितने भी करेक्टर अब तक नॉन हैं, लगभग सारे के सारे करेक्टर्स को सपोर्ट करती है। इसकी मोर इन्फॉर्मेशन के लिए unicode.org वेबसाइट्स को हम और डीप में देख सकते हैं। अगर हम एक कमांड प्रॉम्प्ट से ये जानना चाहते हैं कि हम कौन से पीएचपी वर्जन को यूज कर रहे हैं, देन इन दैट सिचुएशन हम कमांड प्रॉम्प्ट पर जाएंगे। कमांड प्रॉम्प्ट पर जाकर हम सिंपल एक कमांड को टाइप करेंगे, दैट इज पीएचपी स्पेस हाइफन वी कैन से माइनस एंड वी। सो पीएचपी हाइफन वी एंड वेन एवर वी विल गो एंटर वी विल डू एंटर वी विल रिसीव ऑन कमांड प्रॉम्प्ट दैट व्हाट द वर्जन ऑफ द पीएचपी वी आर यूजिंग। पीएचपी इज अ लूजली टाइप्ड लैंग्वेज, पीएचपी एक स्ट्रॉन्गली टाइप्ड लैंग्वेज नहीं है, इट इज अ लूजली टाइप्ड लैंग्वेज। कहने का सेंस ये है कि अगर हमने एक वेरिएबल जो कि इंटीजर लिया हुआ है, अगर हम उसमें एक स्ट्रिंग को भी डाल देंगे तो जरूरी नहीं है कि हम उसमें टाइप कास्टिंग करें तभी उसमें इंटीजर स्टोर हो, तभी उसमें स्ट्रिंग स्टोर होगा। विदाउट डूइंग एनी ऑफ द टाइप कास्टिंग, एक इंटीजर वेरिएबल में भी हम एक स्ट्रिंग वेरिएबल को स्टोर कर सकते हैं। जेंट जो इंजन है जो कि पीएचपी को रन करता है, पीएचपी को एग्जीक्यूट करता है, वो ऑटोमेटिकली उस स्ट्रिंग को स्ट्रिंग की तरह रीड कर लेगा और उसमें जो इंटीजर जो डाला गया है उस इंटीजर को इंटीजर की तरह रीड कर लेगा। तो दैट इज द कैपेबिलिटी ऑफ द पीएचपी, दैट इज द पीएचपी इज वी कैन से इट इज अ लूजली टाइप लैंग्वेज एंड इट इज द मोस्ट एफिशियंट लैंग्वेज फॉर द वेब डेवलपमेंट राइट नाउ। तो ये सारी प्रॉपर्टी थी, आगे हम पीएचपी के रिगार्डिंग और भी डीप में चर्चा करते चलेंगे। कॉरेकल के साथ ट्रेनर बनने के लिए, कॉरेकल के साथ पार्टनर बनने के लिए आप कॉरेकल के साथ जुड़ सकते हैं। कॉरेकल को अपना सीवी या अपनी ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में जो भी हमारे साथ जुड़ना चाहती हैं वो अप्रोच कर सकती हैं। कॉरेकल हमेशा आप सभी का स्वागत करता है। इस लेक्चर को आगे कंटिन्यूटी, जिससे कि हम आगे और एफिशिएंटली आपके सामने पीएचपी में चर्चा कर पाए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कॉरेकल हमेशा आपके लिए प्रेजेंट रहेगा, प्रेजेंट हमेशा आपके लिए तत्परता से लगा रहेगा, जिससे कि आपकी और हमारी दोनों की एक कम्युलेटिव ग्रोथ हो पाए। धन्यवाद।